जी हाँ दोस्तों, डाउट नंडे अब क्लास 11, 12 के स्टूडेंट्स के लिए मैथ के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दिए हैं। अब अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको क्या करना है, सिंपली डाउट नंड ऐप को डाउनलोड कीजिए, ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप पर जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस फोटो को क्लिक कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर मैंने इस फोटो को क्लिक कर लिया, ये वाला क्वेश्चन मेरे पास नहीं आ रहा है। क्लिक करने के बाद अच्छे से क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के बाद फाइंड सॉल्यूशन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो डाउट है उसका डायरेक्ट यहाँ पर देगी वीडियो सॉल्यूशन हमको मिल चुका है। किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, खासकर बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए फ्रेंड आपको क्या करना है, जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करोगे वो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक संभावित क्वेश्चन पेपर जो तैयार किया हुआ है वो लेकर के आ चुका हूँ। तो मेरे हिसाब से एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा बोध है, परीक्षा बोध के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनमें ज़्यादातर बोर्ड परीक्षा में फंसता है। तो आज का ये क्वेश्चन पेपर ये परीक्षा बोध पर आधारित है। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूरा एमपी बोर्ड का जो फाइनल पेपर आने वाला है उसके सिलेबस पर आधारित है। सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है इस क्वेश्चन पेपर में से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो इस क्वेश्चन पेपर का रिविज़न आपको ज़रूर करना है फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से, पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है समुच्चय ए कॉमा बी में द्वे आधारी संक्रियाओं की संख्या है। तो इनमें आपको क्या करना है, ये वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इनके आंसर आपके आंसर कॉपी में आपको लिखने हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यदि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, तब यहाँ पर जो डेड डैश दिया है इसको आपको भरना है। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर ए की वैल्यू ये दे दी गई है तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। फ्रेंड इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर है वो देखिए यहाँ पर नीचे दे दिए गए हैं, आप आंसर का मिलान कर सकते हो। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है रैखिक प्रोग्रामन समस्या के उद्देश्य फलन में चर होते हैं, तो इसका चौथे का डी आंसर राइट है, शून्य या धनात्मक। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन में जो पांच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टार्ट होता है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ये सारे क्वेश्चन एक एक मार्क के हैं। वक्र ये दिया गया है, इसके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आव्यूह वाला एक क्वेश्चन है। और देखिए फ्रेंड सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर इनके आप आंसर मिलान कर सकते हो, नीचे आंसर दे दिए गए हैं। इसके बाद मैथ के पेपर में ट्रू एंड फाल्स पूछा जाता है, पूरा 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। इसमें आपका कोई प्रैक्टिकल या 30 मार्क्स जो प्रैक्टिकल होते हैं वो ऐसा नहीं होता है। 5 नंबर के ट्रू एंड फाल्स हैं, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर पांचों के आंसर ये दे दिए गए हैं, तो आप इनका भी मिलान कर सकते हो। ये अवकल समीकरण दिया हुआ है, ये सत्य है या असत्य है। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड इसमें एक सही जोड़ी भी मिलाने के लिए बोर्ड परीक्षा में पूछी जाएगी, तो सही जोड़ी ये भी 5 नंबर का है, इनके आंसर यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं। आप गणित के स्टूडेंट हो तो ईजिली इसको सॉल्व करके मिला सकते हो। इसके बाद बात करते हैं एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस की। चलिए देखिए फ्रेंड ये क्वेश्चन नंबर 5 में स्टार्ट होता है, यहाँ से 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, एक एक मार्क्स का फिनिश हो गया। पहला क्वेश्चन है फलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। उच्चिष्ट मान ईजिली निकाल सकते हो आप। एक बर्फ का गोला चर त्रिज्या रखता है, उसके आयतन में परिवर्तन क्या हुआ। इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, ये उच्चिष्ट वाला जरूर तैयार कर लेना। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है, वक्र ये दिया हुआ है 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 के बिंदु 1.1 पर अविलंब का समीकरण। ये अविलंब का समीकरण हो सकता है यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाए, लेकिन बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है, और किसी का एक का सन्निकट मान भी पूछा जाता है, तो सन्निकट मान भी तैयार आपको कर लेना है। यहाँ पर ये 2 वक्र दिए हुए हैं, इनकी प्रवणता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप आंसर अपने मिलान कर सकते हो फ्रेंड, ये नीचे सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के आंसर दिए हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर ये दिया हुआ है सारिक दी हुई है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल तरीके से सारिक के क्वेश्चन, आप व्यू के क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और फिक्स मार्क के रहते हैं, आते ही आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बिल्कुल तैयार कर लेना। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप व्यू दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है, तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आपके पास परीक्षा बोध है
तो वहाँ पे जाकर परीक्षा बोध बुक को खोल करके आप देख सकते हो, इकाई दो अध्याय तीन का लघोत्तरी प्रश्न क्रमांक 15 देखें, परीक्षा बोध में सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे अगर आपको सॉल्यूशन की ज़रूरत है तो। फ्रेंड अगर इनके सॉल्यूशंस का आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैं एक पीडीएफ फाइल भी इसका बना करके आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। इसके बाद देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ये इंटीग्रेशन है, sec स्क्वायर log x अपॉन x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन tan स्क्वायर x dx दोनों तैयार कर लेना, हो सकता है इनमें से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इसके बाद देखिए 9 का जो अथवा है उस समांतर, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं फ्रेंड, दिकोसाइन ज्ञात कीजिए, इसको तैयार कर लेना ये इंपॉर्टेंट है। और ये दो समतलों के बीच का कोण, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, दो समतल दे दिए जाएंगे उनके बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। 3 नंबर में ये वाला क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, हो सकता है यही क्वेश्चन हो या इनकी यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन बीच का कोण आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है आपको, ये उच्चिष्ठ निम्निष्ठ के ऊपर एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। देखिए इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का ये वाला क्वेश्चन है वेक्टर ए बी सी, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कितने नंबर पूछे जाते हैं, 4 नंबर में, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना फ्रेंड। यूनिट नंबर 4 से लिया है, अध्याय नंबर 10 का दीर्घोत्तरी पहला क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो संबंध है नंबर फलन वाले ये वाले तो आपको करने ही है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का ये क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई है, तो आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये एमपी बोर्ड के गणित के स्टूडेंट्स के लिए, आपके पास बहुत टाइम है रिवीजन करने के लिए, जरूर इनका रिवीजन करें। टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपन 1 प्लस एक्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 समझ लिए, ये वाला तो आपको बोर्ड परीक्षा में आ ही गया, 4 नंबर का है, 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे 17 और 18, इस टाइप के अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो 4 नंबर आपके गणित में कोई नहीं रोक सकता। 4 नंबर का मतलब है लगभग सीधा सीधा आपका 1% बढ़ जाएगा, 1% बहुत मायने रखता है फ्रेंड आपके लिए। उसका देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो अथवा क्वेश्चन है ये वाला, इस टाइप का ये क्वेश्चन 100% आएगा 4 नंबर में। ये समतल दे दिया है, इसकी लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए, बिंदु से रेखा के लंबवत दूरी जरूर तैयार कर लेना। ग्राफ वाला एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। उसके बाद बात करते हैं प्रायिकता, प्रायिकता भी 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रायिकता वाले तो आपको अपने आप ही तैयार कर लेने हैं। लाल ये गेंद वाला क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, एक थैले में कितनी गेंदें हैं, 3 काली हैं 4 लाल गेंदें, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। इसके बाद देखिए आब्यू, ये देख सकते हो आप 5 नंबर का क्वेश्चन है, ए बी डैश इक्वल टू वी डैश ए डैश, ये ज्ञात करना है आपको, ये प्रूव करना है। तो आब्यू वाले क्वेश्चन है ये फ्रेंड लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, या तो 4 नंबर में पूछा जाएगा या 5 नंबर में पूछा जाएगा, तो ज़्यादातर आप रिवीजन करना आब्यू और सार्डिक वाले क्वेश्चन से, इनका आपको ज़्यादातर रिवीजन करना है क्योंकि ये नंबर फिक्स रहते हैं। बात करें हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन की तो इन क्वेश्चन में आप ज़्यादातर गलतियाँ कर देते हो, तो इसलिए आब्यू के नंबर तो कम से कम आपके पूरे फिक्स हो जाएंगे, तो उन क्वेश्चन को तो बिल्कुल मत छोड़ना। इंटीग्रेशन के यहाँ पे देखिए 24-25 ये क्षेत्रफल इनका ज्ञात करना है, वक्र दिए हुए हैं, अवतल समीकरण है। तो फ्रेंड ये थे कुछ गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना पेपर देने से पहले, हो सके इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।